जिले भर में बारिश का दौर जारी है। जिले भर में हो रही बारिश में सर्वाधिक बारिश पिपरिया में 190 मिलीमीटर दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी है। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। शहर के द्वारा बाजार क्षेत्र विनोबा वार्ड में नगर पालिका द्वारा सड़क में बना दी गई मगर नाली बनाना भूल गए, जिससे निकासी न होने पर पानी भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। क्षेत्र में वर्षों पुराना इमली का पेड़ बारिश के चलते धराशायी हो गया, जिससे 2 घरों को नुकसान हुआ है। पीड़ितों द्वारा जांच की मांग की गई है। शहर में लगातार हो रही निर्माण कार्य के चलते पानी भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। शोभापुर रोड पर बस स्टैंड के पास सीएम राइज स्कूल में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। हमारा नुकसान ये हो गया, हमारा घर जीना भी टूट गया, पूरी दीवार भी टूट गई और बाथरूम भी टूट गया और हमारा वो पिलर भी गिर गया है और हमारा कोई जानकारी नहीं दे रहा है। नगर पालिका वाले कोई सुनाई नहीं कर रहा, ना हमारा कुछ कर रहा है। कोई अधिकारी आया कि नहीं? नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया। आधार अपडेट कराने जा रहे हैं लेकिन पानी इतना बड़ा कहाँ जाए, सिस्टम ही नहीं है। फिर क्या करेंगे? अब क्या पानी में जाना पड़ेगा, जीते के लिए होंगे कपड़े। पिपरिया से पंकज पाल की रिपोर्ट।